बढ़िया पोटैटो स्प्रिंग रोल आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम चार आलू लिए हैं, इसे अच्छे से छील करके धो लिए हैं और चार स्टिक लिए हैं। छोटा बड़ा कोई भी आलू इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आलू लेंगे और एक एक स्टिक, आलू के बीचों बीच हम स्टिक डालेंगे ऐसे, देखें। चाहे तो ये रेसिपी चाकू से भी कट करके बना सकते हैं। हम इसे फसल से कट करके बना करके आपको बताते हैं, जो सभी के घर में अवेलेबल होता है। देखिए, बस इसको ऐसे गोल गोल घुमा करके पतले पतले स्लाइस कट करेंगे। देखिए, अब इसको ऐसे फैला देंगे। यहाँ इसको अच्छे से हम फैला दिए, देखिए कितना अच्छा हो गया। एकदम बाजार में महंगी मिलने वाली रेसिपी आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक बाउल में पानी लेंगे, इसको कट करके हम पानी में रखते जाएंगे ताकि काला नहीं पड़े। दूसरे को भी कट कर लिया है, इसको भी पानी में रख देंगे। सभी आलू को हम इसी तरह कट करके तैयार कर लेंगे। यहाँ एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी कॉर्नफ्लोर, आधा कटोरी मैदा, इसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मच चावल का आटा, डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वादानुसार लीजिएगा, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, ढाई छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये हमारा बैटर कितना पतला है, हमें ऐसे ही बैटर चाहिए। पोटैटो रिंग लेंगे, रखे थे इसे स्लरी को इसके ऊपर डालेंगे। चारों तरफ से अच्छे से कोट कर देंगे इसे। कढ़ाई रखें, कढ़ाई में हम तेल डाल दिए हैं, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसे कोट किए हुए पोटैटो रिंग्स को इसमें हम डालेंगे। इसे अलट पलट के एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए इसको अलट पलट के हम कितना क्रिस्पी फ्राई कर लिए हैं, देख रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है। वाओ, क्या कमाल का दिख रहा है। सभी पोटैटो रिंग्स को हम स्लरी से कोट करके फ्राई कर लेंगे। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम मैगी मसाला डालेंगे, इसे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। टमाटो केचप, इसके ऊपर आप मेयोनीज लगाकर भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत मजेदार लगता है खाने में। पोटैटो स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो चुका, लग रहा है ना कितना कमाल। वाओ, सच में खाने में मजा ही आ जाएगा। यदि इस तरह आप पोटैटो रिंग्स घर में बनाइएगा तो मार्केट से लाना ही भूल जाएगा, और बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे आपके ये रेसिपी देख करके कि वाओ, मार्केट जैसे पोटैटो रिंग्स हमारे घर में बना अभी इतना आसानी से। तो हमारे वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज सब्सक्राइब करें।